जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के बाद किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई। गोलीबारी के बाद आतंकी जंगल में छिप गए। सेना आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई है। किश्तवाड़ जिले में रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई। अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी किश्तवाड़ जिले के बट्टम ब्रिज इलाके में हुई है। फिलहाल वहां तलाशी अभियान जारी है। इससे पहले आज अनंतनाग में भी सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। इस बीच सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और भारतीय सेना ने अनंतनाग में कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर हवलदार दीपक कुमार यादव और लैस नायक प्रवीण शर्मा के सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया। शनिवार को कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग के अहलान गड़ोले इलाके में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। वहीं 3 जवानों और 2 नागरिकों सहित 5 अन्य लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सेना ने कहा कि दोनों घायल नागरिकों के आतंकी इतिहास का पता लगाया जा रहा है। सेना ने शनिवार शाम को कोकरनाग मुठभेड़ पर बयान देते हुए कहा कि 5 अगस्त 2024 को मानव और इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से पहले ही पुष्टि हो चुकी थी कि 24 जुलाई जोड़ा क्षेत्र में अत्याचार और घटनाओं के लिए जिम्मेदार आतंकवादी किश्तवाड़ रेंज को पार करके दक्षिण कश्मीर के कोपरान गरोल क्षेत्र में घुस आए हैं। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तब से लगातार इन आतंकवादियों पर नजर रखी और 9-10 अगस्त 2024 की रात को कोपरान के पूर्व में पहाड़ों में सटीक अभियान चलाया गया, जहां कथित तौर पर ये आतंकवादी छिपे हुए थे। आर्मी से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।